नमस्कार दोस्तों, जय शिवराय। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने विकी सिविल वर्क चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो फाउंडेशन का स्लैब है वो स्लैब हम RMC मशीन के माध्यम से ही ढलाई कर रहे हैं, जो कि आप देख रहे हो हम कैसे कर रहे हैं। तो स्लैब की ढलाई और बहुत अच्छा वर्क शुरू है हमारा, क्योंकि RMC मशीन से बहुत जल्दी काम हो जाता है। और जो मिक्सर मशीन रहती है हमारी, वो मिक्सर मशीन से भी हो जाता है, लेकिन इतने जल्दी नहीं हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये RMC मशीन जो कि जिनका काम शुरू है, मतलब जिन जो हमारे घर मालिक है उनका ही RMC मशीन है, क्योंकि वो बहुत बड़े बिल्डर आदमी हैं, जो कि रास्ते के जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, मतलब जो बड़े बड़े रास्ते बनाते हैं, वो बड़े बड़े रास्ते के कॉन्ट्रैक्टर है। तो उसकी वजह से उनके पास पूरी की पूरी मशीन है। तो ये मशीन ही भी उन्हीं की है, और उन्होंने ही बोला था कि RMC मशीन से अपने फाउंडेशन के स्लैब का कास्टिंग कर देना, ढलाई कर देना। तो हमने ठीक वैसे ही किया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो आप देख ही सकते हैं RMC मशीन कैसे वर्क कर रही है, जो कि हमारा जो वर्कर है वो भी कैसे वर्क कर रहा है RMC मशीन पर। तो दोस्तों, हमारे वर्कर भी उन्हीं के साथ वर्क कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत जल्दी काम हो जाता है RMC मशीन से, और बहुत ही फास्ट से हमारा काम ख़त्म हो के हमें आराम भी मिलता है, जो कि ज़्यादातर मिक्सर मशीन पर आराम करने के लिए नहीं मिलता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, तो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं हमारे वर्कर साहब, वर्कर लोग। तो दोस्तों, ये जो RMC मशीन है, ये RMC मशीन जो है वो क्यूबिक मीटर के हिसाब से इसके अंदर कॉन्क्रीट भर दिया जाता है, जो कि रेत, गिट्टी, सीमेंट जो रहता है वो क्यूबिक मीटर के हिसाब से भर दिया जाता है, क्योंकि इनका जो माप रहता है इस RMC मशीन का क्यूबिक मीटर का रहता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो स्लैब की लंबाई और चौड़ाई जो रहती है स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमें बताना पड़ता है कि 1200-1500 स्क्वायर फीट का स्लैब है, तो उनको बताना पड़ता है, और वो उसके हिसाब से बराबर क्यूबिक मीटर के हिसाब से वो कॉन्क्रीट मसाला भर देते हैं RMC मशीन से, और मसाला बनकर तैयार करके वो सीधा इधर ही लाते हैं। और इधर कैसे काम रहता है, सीधा डालने का ही काम रहता है। तो देखिए दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हो, ये कैसे जल्दी जल्दी हमारा काम ख़त्म हो रहा है, और बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, जो कि ज़्यादातर नहीं है। और यहाँ पर कैसे दोस्तों, RMC मशीन पर ज़्यादा वर्कर नहीं लगते, 4-5 वर्कर में ही काम हो जाता है। और अगर हमने मिक्सर मशीन से लिया काम किया, तो मिक्सर मशीन में बहुत 10-12 वर्कर लग जाते हैं, जो कि पैसे की बचत नहीं हो जाती। लेकिन RMC मशीन से पैसे की बचत भी हो जाती है, और बहुत जल्दी जल्दी हमारा काम भी हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो RMC मशीन भी कैसे वर्क कर रही है, जो कि सीधा डालने का ही काम रहता है कॉन्क्रीट मसाला। और देखिए, हमारा लास्ट का काम जो शुरू है, जो कि नीचे का वरांडा, जो कि पोर्च कहते हैं, पोर्च का ही काम शुरू है, तो वो भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पावड़े से ही मसाला खींचने का काम है, बाकी तो कोई टेंशन का ही काम नहीं हमारे वर्कर को। तो देखिए दोस्तों, बहुत जल्दी से काम ख़त्म हो जाता है, जो कि ज़्यादातर टाइम भी नहीं लगता है। और वाइब्रेटर जो रहता है हमारा, तो वाइब्रेटर भी कैसे वर्क करता है, तो आप देख ही सकते हो। और देखिए दोस्तों, बहुत जल्दी जल्दी हमारा काम ख़त्म होते जा रहा है, जो कि ज़्यादा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ही बचा कुचा हमारा काम है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो के माध्यम से जानकारी अच्छी लगे। अगर वीडियो के माध्यम से जानकारी अच्छी लगे हो, तो वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय शिवराय, जय श्री राम।